चलो, तो यह हम लोग का सेट वन चल रहा था, है ना। अब सेट वन में कुछ बचा हुआ है उसको अभी खत्म कर लेते हैं। कल एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कल एक चल रहा था, उसमें थोड़ा सा गलती ये हुआ था कि हमने एक वैल्यू जो है उसका मान जो था वो हमने गलत पुट कर दिए थे ना, मान को कर दिए थे क्या गलत पुट, वो भी बता रहे हैं। एक्चुअली हुआ था ऐसे कि इस जो है ना क्वेश्चन नंबर 26 हड़बड़ी में कल लास्ट में थे अंत टाइम में, तो 26 सेट वन का इस क्वेश्चन में यहां पर हमने बोले थे एक नॉन्स्ट इक्वेशन होता है ना। सो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है कि यहां देखोगे ये नॉन्स्ट का जो इक्वेशन है ये क्या है इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 26 में ये इक्वेशन को पहले देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेल का सेल है ई सेल, यानी ये क्या है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स हाफ सेल के लिए, है ना। तो ये होता क्या है किसी भी हाफ सेल का जब निकालेंगे, कौन सा हाफ सेल का ना, हाफ सेल का क्या निकाल रहा हूं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये क्वेश्चन और भी मिलेगा आगे, आगे दो तीन मिलेगा इसी के ऊपर क्वेश्चन है। सो ई सेल इज इक्वल टू, मतलब उस सेल का ई एम एफ ऑफ द सेल, ई सेल इज इक्वल टू ये होता था ई नॉट, है ना, ई नॉट सेल माइनस और हो जाएगा तुम्हारा, या तो सिर्फ ई नॉट भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ई नॉट सेल और माइनस यहां पर जो होता है एक 0.5059 0.0591 है ना बाय एन। अब ये हो जाएगा लॉग हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर के मान लो या क्यू, ठीक है। इक्विलिब्रियम मान यहाँ पर जो है रिएक्शन कोशिएंट बोलते हैं, तो यहाँ पर की क्यू भी मान सकते हो के भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के लिखते हैं, हम लोग उतना जरूरत नहीं। जब हायर क्लास में पढ़ते हैं तो उस के और क्यू एक होता है भाई रिएक्शन कोशिएंट और ये है हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। अब कब होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो के लिखते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग क्यू लिखते हैं, तो कोई बात नहीं छोड़ो। अब ये जो टोटल वैल्यू है ये कब आता है एट 25 डिग्री सेल्सियस है, ये जो आया ना 0.059 ये कब आता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। मैं पूरा इक्वेशन को नहीं लिख रहा हूं, ऐसे इक्वेशन को और एक फॉर्म है, अगर इसी इक्वेशन को मैं और लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, सब मैं बताऊंगा क्या है माइनस ये होता है 2.303 RT, है ना, और यहाँ होगा एन एन एफ, अब यहां होता है लॉग के या क्यू, क्यू भी लिख सकते हो लॉग क्यू। तो ये है मेन, इससे भी पहले अगर और भी जाऊंगा तो ये रहता है एलएन से, लॉग नहीं रहता एलएन, आई बात समझ में। तो इस तरह से ये बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं, 2.303 RT बाय NF, है ना। तो ये हमारा ये बाय एन एफ, इसी से एफ का वैल्यू पुट कर दिया, आर का कर दिया, टी का कर दिया, टी का इतना, और 2.303 ये सब कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, टी आर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टी का वैल्यू 25 डिग्री है, तो ये आएगा इतना, इसी के स्टफ का वैल्यू मिलके ये आएगा। ओके, तो हमने डायरेक्ट इसी को लिखूंगा। अब मैं कल क्या गलती क्या था, मैं इसको लिख दिया था 0.591 ये लिख दिए थे जबकि 0.0591। ओके, तो ये है हमारा। अब हमारा जो रिएक्शन है, हमारा क्या था क्वेश्चन है 26 में है कि एक एजी था, ठीक है, एजी प्लस आयन है ना, एजी प्लस एक्वास में है, और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या बना यहाँ एजी ठोस सॉलिड बन गया। तो इस इक्वेशन का हमको देख क्या दिया था 25 डिग्री बोल दिया था और एजी का कॉन्सेंट्रेशन दिया था, एजी प्लस आयन इसका इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, इसका सांद्रता बता दिया था, कैसे है कितना था इसका सांद्रता ये बता दिया हमारा 0.1 मोलर ये हमको बता दिया था, और हमको ये बता दिया था ये ई नॉट भी दे दिया है, ई नॉट सेल दिया है, तो यहां पर सिर्फ ई नॉट लिखा हुआ है, तो ई नॉट सेल का वैल्यू जो दिया दिया है वो हमारा कितना था, ये हमारा ई नॉट सेल का वैल्यू है प्लस 0.80 वोल्ट, ये भी दिया है। अब देखो हम क्या कर सकते,
इस इक्वेशन को जो ये है हमारा गिवन कंडीशन, इसी को इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो यहां पर क्या है, ईएमएफ है किसी भी हाफ सेल का, और उसी हाफ सेल का ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड मतलब नॉट, जब नॉट लगा रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है, यहां सेल रहे या ना रहे, ई नॉट है मतलब वही वाला वैल्यू है। ठीक, अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, अब इसी का हमको के निकालना होगा, एक ये वाला, तो के कैसे निकलेगा, के या क्यू, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हैं तो ये करते हैं हम लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हुआ ना, रिएक्शन क्या, प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, सो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के हिसाब से करना है ना। चलो सो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कैसे करेंगे, ये देखो यहां हम लोग ये इसको प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है, एजी, एजी ठोस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये आयन Ag प्लस का, ये एक्वस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली यहां पर एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, है ना, सेम चीज है। तो दोनों गए ये बाय ये हुआ। चलो अब के हम हमारा मिल गया, तब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं ना, इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं, यहां पुट कर रहा हूं। देखो अब मैं क्या लिखूंगा, ई सेल निकालना है, इसी को तो निकालना है, इज इक्वल टू E नॉट का वैल्यू क्या है, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसी में ये इक्वेशन याद रखोगे 25, ओके इसी को याद रखो, और कुछ याद रखो या ना रखो, E सेल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E नॉट सेल, E नॉट सेल का वैल्यू कितना है, प्लस 0.80 वोल्ट, माइनस, माइनस लगा दिए ऊपर में 0.0591 डिवाइडेड बाय n, n क्या है, n जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, इसमें कितना एक्सेप्ट कर रहा है, कितना किसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो भाई आदान प्रदान है, लेन देन है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वन है, तो n का वैल्यू क्या करेंगे, वन। ओके अब यहां पर हमारा क्या बचा, लॉग, लॉग लगा दिए, अब हमारा के बचा, तो के का वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, Ag ठोस है और यहां पर Ag का कॉन्सेंट्रेशन है एक्वस, ये दोनों चीज लिख दिए। ओके अब होता है क्या, इसके बाद, इसके बाद जो होते हैं वो हमारा ये होता है कि ये तो प्लस 0.80 रह गया, वोल्ट को हटा दिया, माइनस यह हमारे 0.059 हो गया, 91। ओके अब लॉग है, लॉग इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो ऊपर वाला है, Ag ठोस का जो एक्टिविटी है वो 1 माना जाता है, जब भी ठोस होगा या तो द्रव होगा, लिक्विड में है तो उसका हमेशा 1 माना जाता है, जब तक वो सांद्रता के फॉर्म में नहीं रहे, आयन के फॉर्म में है ना, उसके कॉन्सेंट्रेशन के रूप में नहीं रहे, ठोस का मतलब हम लोग ठोस का मान लो ठोस, ये ठोस है ना या द्रव होगा, इसका हमेशा एक्टिविटी 1 माना जाता है, 1, तो उसके लिए वैल्यू 1 हो गया, तो 1 बाय इसको जो है Ag प्लस जो होता है इसका तो दे दिया, Ag प्लस का कितना दिया है, अभी यहां देखो ये 0.01, यहां पर लिखेंगे 0.01, फिर गलती हो जाता है, 0.1 हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया ना, तो अब कितना आसान है, देखो ये सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखना है ना, इस इक्वेशन से 2-3 क्वेश्चन आता है। अब हमारा क्या है, अब हम क्या कर रहा हूं, ये लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू 0.80 माइनस ये इज 1 बाय है ना, ये माइनस 0.0591, अब ये लॉग जो है इसको 0.1 है, 0.1 मतलब क्या है, 0.1 मतलब होता है हमारा 10 to the power -1, तो 1 बाई 10 to the power -1 है ना, अब वो 10 to the power -1 ऊपर में चल जाएगा तो क्या होगा, 10 to the power ये हो जाएगा ना, ये 10 to the power 1 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, ये हमारा 1 बाई 10 to the power नहीं है, 10 हो जाएगा, अब ये 10 हो गया। अब लॉग 10 जो होता है, लॉग 10 बेस है, इसका बेस जो है 10 है, दो तरह का लॉग 10 बेस 10 है, तो इसका वैल्यू होता है 1, यानी लॉग 10 का 1 कर दो, ये भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है 0.80 माइनस यहाँ भाई लॉग 10 का 1 है, तो यही हो गया 0.0591, इसका 1 है, हो गया। अब इसको करो ना, माइनस करो,
यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, ऐसे आराम से करो ना माइनस, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं। अब ये है 0.0591 है ना, तो ये 1 लगा दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक्चुअली, ये 1 है तो ये भाई 9 हो जाएगा, ये 9 है 10th 0 हो जाएगा, फिर ये 5 है तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, और तुम्हारा यहाँ 7 आ जाएगा 0.75। तो यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 0.75 वोल्ट। अब यहाँ पर देखोगे प्लस होगा, क्यों, ये वैल्यू ज्यादा है तो ये प्लस में, माइनस में भी ऑप्शन है और प्लस में भी है, तो जो प्लस वाला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट। यहाँ पर हो गया हमारा 0.-0.74 और प्लस 0.74, तो 74 वाला ले लेंगे है ना, तो जो 74 वाला ऑप्शन है वही होगा प्लस वाला, कौन सा है ये इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से करना है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन और भी आगे आएंगे, करेंगे इस तरह का क्वेश्चन और भी आएगा तो करेंगे, तो और भी धीरे धीरे हमारा ये सॉल्व होते जाएगा। चलो अब यहां हम लोग, ये तो हो गया है ना, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखो। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको पहले सुन लो। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+2Al। ओके, सो हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज, कितने कूलम्स चार्ज चाहिए, किस लिए चाहिए ना भाई, रिडक्शन करने के लिए 1 मोल ऑफ Al+3 to Al। हमारा क्वेश्चन में कंडीशन को समझ लो, हमारा कंडीशन में दिया है Al प्लस 3 है। अब इसका कितना लिया मैंने, अच्छा इसको पहले Al 3 प्लस है, एक मोल लिया, एक मोल Al प्लस 3 है, इसको हमको रिडक्शन करना है। तो पहले इसको हम लोग ये समझ लेते हैं, जस्ट Al 3 को समझते हैं, Al 3 को रिडक्शन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, Al को हमको क्या बनाना है, Al, Al प्लस 3 को Al बना, तो कितना इलेक्ट्रॉन देना होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, Al बन गया, हमको Al ही बनाना है। तो आप पूछ रहे यहां पर, यहां पूछा कि एक मोल Al 3 प्लस को, अब एक के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक Al 3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, एक Al 3 को रिडक्शन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी तरह से एक मोल के लिए, एक मोल Al प्लस 3 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन बोलो भाई, एक के लिए 3 है तो एक मोल के लिए 3 मोल, यस 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर ये ऐसा है सोडियम प्लस है, इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो Na बन जाएगा, इसके एक के लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो इसे एक मोल, एक मोल के लिए कितना, एक मोल इलेक्ट्रॉन, ये भी एक है, ये भी एक, तो एक मोल सोडियम को रिडक्शन करने के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि यहां एक के लिए 3 चाहिए तो एक मोल के लिए 3 मोल है ना, क्योंकि एक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन तो एक मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, आई बात समझ में। अब देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होते हैं ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होते हैं वो कितना होता है, 1 फैराडे, क्या 1 फैराडे, और 1 फैराडे बोला तो क्या होता है 96,500 कूलम होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसी को याद रखना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज 1F1A बराबर इतना, आई बात समझ में। तो आप बताओ एक मोल Al3 के लिए कितना मोल चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1 फैराडे, तो 3 मोल को 3 गुना कर दो ना, 3 फैराडे होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज है 1 फैराडे, 3 मोल का कितना चार्ज होगा 3 फैराडे, तो 3 फैराडे है, तो 3 फैराडे क्या होगा बताओ, 3 फैराडे मतलब हो जाएगा हमारा 3 मोल के लिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए हमारा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए 3 फैराडे, और 3 फैराडे मतलब 1 फैराडे कितना होता है, 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम, तो हो गया हमारा कितना, इसे 3 गुना कर दोगे तो 0,0, अब ये भाई 5 और ये हो गया 18, 19 और ये 27, 28, कितना कूलम हो जाएगा, आई बात समझ में। तो अब इसका आंसर देखो तो किसमें है,
ऑप्शन नंबर सी. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक, ये बहुत ही इससे देखो मैं इस चीज को बता रहा हूं, इससे चार पांच क्वेश्चन मिलेगा, चार पांच से ज्यादा मिलेगा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, चार पांच मिलेगा और इस हम 100% कह रहे हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा ही, क्योंकि हर सेट के अंदर एक दो क्वेश्चन इसी का मिलेगा, यही चार्ज वाला. सेम हमको देखना क्या है, किसी भी चीज को रिडक्शन करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अब एक मोल इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 फैराडे चार्ज को कैरी करता है. अब भाई जितना मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा उसके हिसाब से हम चार्ज निकाल लेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है ना, 28. ये क्वेश्चन देखो 28 में क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कीप ब्राउन रिंग टेस्ट. देखो ब्राउन रिंग टेस्ट, भूरे रंग का जो रिंग टेस्ट देता है, रिंग वाला माने तो समझ रहा ना, बलई रिंग टेस्ट. तो ब्राउन रिंग टेस्ट किस में देता है, कौन सा ग्रुप में देता है? ऐसे होते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, ऐसा टेस्ट ट्यूब होता है. ठीक है, हम तो उसको डिटेल्स में बता नहीं रहे, इसको हमने बता चुके हैं, हमारा उस पी ब्लॉक एलिमेंट में इसको डिटेल्स में पढ़ा है ब्राउन रिंग टेस्ट. तो यहाँ पर इसी दो दो सॉल्यूशन बीच है, यहाँ पूरा सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन के बीच में ऐसे एक रिंग बन जाता है, ऐसे एक रिंग बनता है दो सॉल्यूशन के बीच में. ये रिंग बनता है किसके लिए, NO 3- के लिए. तो ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, NO 3- याद रखना. ठीक है, नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, नाइट्रेट. देखो कंफ्यूजन करने के लिए ए भी दे देगा NO 2-, तो इसका नाइट्रेट नाम नहीं है, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट, नाम तो समझो. और ए अगर रहेगा N3-, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड. तीनों को समझना है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड डॉ. तो ये तीनों समझ में आ रहे हैं, तो नाम से भी याद रखना, सबको एक मत करना, नाइट्रेट, नाइट्राइट और ये नाइट्राइड. तो ये किसके लिए होता है, ब्राउन रिंग, ब्राउन रिंग जो होते हैं वो ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए, इसके लिए. ठीक, सो हाँ देख लेना ऑप्शन कौन सा सही है, उसमें खोज लेना. नेक्स्ट, कैटालिस्ट यूज्ड इन हेवर प्रोसेस इज 29, क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे हैं कौन सा कैटलिस्ट उत्प्रेरक है ना, जो उत्प्रेरक होते हैं वो हेबर विधि में, हेबर मतलब कल बता रहे थे अमोनिया बनाने के लिए है ना, जो अमोनिया गैस बनता है उसे हेबर प्रोसेस बोलते हैं. हाँ, तो यहां पर जैसे नाइट्रोजन है और भाई हाइड्रोजन होते हैं, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनता है. इसको बैलेंस करो तो 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 लगा दो, तो यहाँ पर 3 लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, ये अमोनिया बना. तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो मोलिब आयरन किया जाता है, मोलिब्डेनम किया जाता है ना, ये सब को देखोगे कैटलिस्ट यूज किया जाता है ना, तो ये कैटलिस्ट जो है यहाँ पर आयरन होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन, Fe, यानी ऑप्शन नंबर ए, Fe को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 है, देखो अमोनिया के बारे में भी हम बता दिए, डिटेल्स में पढ़ाए हैं, पी ब्लॉक वाला जाके डीसी पालामू चैनल में देख लेना, पूरा अमोनिया के बारे में कैसे बनता है पूरा डिटेल्स में है. ठीक है, इसलिए मैं हम जस्ट थोड़ा सा हल्का बताते जा रहा हूं, जो चीज नहीं बताए उसको बताऊंगा पूरी तरह से. क्वेश्चन नंबर 30 में क्या रहे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसको भी मैं पढ़ा चुका हूं पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में किसका बॉइलिंग पॉइंट कथनांक जो है सबसे कम होगा है ना. देखो ना, अच्छा इसमें से किसका कथनांक न्यूनतम है, सबसे कम है, तो ऑप्शन में है ए, क्या है जी, हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं. देखो यहां पर नाइट्रोजन है ना, पीओ ऐसे सब
सब बिगड़ेंगे, यही ना है। ग्रुप 15 G15, ग्रुप 15 का एलिमेंट है ना पियो ऐसे, ऐसे मत पियो, ऐसे मत पियो, ना पियो ऐसे, सब बिगड़ जाएगा ना, सब बिगड़ेंगे, ये बिस्मात है। तो इसका जब हाइड्राइड बनाते हैं तो NH3 बनता है, इसका जब हाइड्राइड तो PH3 बनता है, इसका जब हाइड्राइड बनाएंगे तो क्या बनेगा ASH3 बनेगा, इसका जब हाइड्राइड बनेगा क्या बनेगा H3 बनेगा, इसका जब बनाएंगे तो क्या होगा DiH3, ऐसा हाइड्राइड बनेगा। अब देखो साइज, इसका साइज अगर ऐसा है तो इसका साइज ऐसा होगा, इसका साइज और बड़ा होगा, इसका साइज और बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा, साइज बढ़ते जा रहा है, तो साइज बढ़ेगा तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो ऐसा है इसमें, और इसके केस में ऐसे है, इसके केस में सॉरी इसके केस में भाई होगा, तो इसके केस में तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बढ़ेगा, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी, बॉन्ड का जो लंबाई है आबंध, आबंध लंबाई क्या होगा साइज बढ़ने से, आकार बढ़ने से बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा। अब बोलो छोटा ये है, एक छोटा सा लकड़ी है, उसको तोड़ना, ये बड़ा लकड़ी को तोड़ना आसान कौन सा होगा, बड़ा को तोड़ना, तो इसीलिए ये आसानी से टूट जाएगा और ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो हमारा अगर बात करता हूं सबसे स्टेबल कौन होगा, तो सबसे स्टेबल होगा NH3, तो है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा है। अब बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे यहां पर क्या है, और चीज क्या पूछ रहा है, हाँ कथनांक ना, और सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा यहां पर PH3 का। आप बोलोगे सर तो इस हिसाब से सबसे कम तो इसका होना चाहिए ना कथनांक, कथनांक तो ऐसे इसका, अगर ये एक चीज और बता दे, अगर पूछता थर्मल स्टेबल, थर्मली कौन स्टेबल है, मैंने तापमान के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, सबसे कम होगा ये तापमान के हिसाब से, लेकिन यहां पूछ रहे कथनांक, कथनांक मतलब बॉयल, तो बॉयल करने के लिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होते हैं, सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं यहां, लेकिन बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड यहां नहीं होता है। अब बात है ऊपर से नीचे कथनांक के लिए क्या नियम है, कथनांक के लिए बताए थे ऊपर से नीचे क्या होता है, एटॉमिक मास बढ़ता है ना भाई, एटॉमिक मास बढ़ते हैं, द्रव्यमान बढ़ता है ना, एटॉमिक मास क्या होता है बढ़ने लगता है, इसका सबसे ज्यादा है तो एटॉमिक मास सबसे ज्यादा, यानी फिर इसका इसके बाद जो है इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, यानी सबसे कम हो जाएगा PH3 का। हम बता देते कैसे है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये एक्सेप्शनल है, सबसे ज्यादा किसका हो गया, देखो इधर क्या होगा, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इसका क्या है आना, जो परमाणु परमाणविक द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान क्या हो रहा है, द्रव्यमान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाएगा ना भाई, परमाणु संख्या बढ़ेगा, परमाणु का संख्या बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ रहा है, उसका परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कथनांक बढ़ेगा, ये बात समझ में आया। तो इससे यहां जितना जाएंगे सबसे कथनांक कम किस में होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा, ये यानी BiH3 का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा SbH3, इसके बाद किसका होगा ASH3, इसके बाद किसका होगा PH3। ये हुआ भाई, हाँ सही बात है, इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा तो इसका सबसे ज्यादा, ये ऐसे गया ठीक, PH3 इसका सबसे कम, लेकिन इसका द्रव्यमान तो सबसे कम होना चाहिए था ना, यहां होना चाहिए सबसे कम, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका जो है सबसे अधिक हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिसके कारण से इसका कथनांक बहुत ज्यादा है, ये हमने पढ़ा चुके हैं, उसको देख लेना ठीक है, तो सिर्फ याद रखोगे इतना, इसको सबसे आगे कर दो, यानी सबसे कम कौन होगा PH3, न्यूनतम PH3। तो कथनांक किसके ऊपर निर्भर करता है, दो चीज को देखोगे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं, कथनांक के लिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखो, दो चीज देखोगे उसके अंदर क्या है, उसके अंदर देखोगे H बॉन्ड है कि नहीं, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसका सबसे कथनांक क्या होगा सबसे अधिक हो जाएंगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे, आणविक द्रव्यमान, उसका पूरा आणविक द्रव्यमान देखेंगे, जिसका द्रव्यमान ज्यादा यानी भाई जो वेट है, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट को देखेंगे है ना, एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा होगा उसका फिर कथनांक ज्यादा होगा, तो सबसे पहले इसको देखेंगे,
देन इसको देखेंगे, या ग्रुप 15 देख लोगे जाके डीसी पालामू में, देख लोगे नाइट्रोजन का पूरा अमोनिया का ग्रुप 15 हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 है ये, तो उसमें पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को देखो, 31 में लिखा है, ये है CH2, ये है CH3 और हमारा दिया है क्लोरीन, ठीक है। हीट और सनलाइट, क्या है भाई, हीट भी है और सनलाइट भी है, ठीक है। अब हमारा बन रहा है ए, आप पूछ रहा है ए क्या है, ए बना, अब ए हमारा क्या होगा, देखो एकदम सिंपल सा है, ये हेलोजिनेशन है, क्या है, हेलोजिनेशन है। जब भी देखोगे सनलाइट है या लिखा रहेगा एच न्यू, क्या लिखा एच न्यू, तो यहां पर एक क्लोरीन क्या करेगा, हेलोजिनेशन करता है। अब कहां होता है हेलोजिनेशन सबसे अधिक, क्योंकि ये ग्रुप जो होता है दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक पोजिशन है ना, बेंजाइलिक पोजिशन, और वो दैट इज वेरी रिएक्टिव पोजिशन, ये बहुत रिएक्टिव पोजिशन है, ज्यादा सक्रिय है। जब भी बेंजीन के साथ जो CH2 है दैट इज बेंजाइलिक ग्रुप, यहां पर रिएक्शन होगा, यहां पर नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्लोरीन चल जाएगा वहां पर, तो यहां पर बन जाएगा क्या, देखो यहां से H निकलेगा, जैसे होता है ना ये मीथेन वाला, देखा ना मीथेन CH4, यहां भी क्लोरीनेशन होता है, एच न्यू या सनलाइट, यही चीज सेम चीज है, तो क्या होगा, एक क्लोरीन एक एच, एक एच एक क्लोरीन, क्या हो जाएगा, एच से निकल चल जाएगा, एच से बाहर चला गया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो हमारा क्या बचा, तो यानी इधर तो CH3 बचा, एक एच तो खत्म, और इधर एक क्लोरीन बचा, जोड़ दो हो गया, यही यहां भी सेम होगा, यहां एक हाइड्रोजन चला जाएगा एक क्लोरीन चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा ऐसे, ये तो भाई यहाँ जो है वैसे रहेगा, यहाँ पर उल्टा एक मेरा क्लोरीन इसमें जुड़ जाएगा, तो उसमें एक क्लोरीन जोड़ दिए, हो गया, जैसे ऐसे किया यहाँ पे, ये वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट इज करेक्ट, ये वाला कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए में। और एक चीज होता है, यही चीज इसी में अगर थोड़ा घुमा दे मैं वो भी बता देता हूं। अगर मान लो इसमें अगर ऐसा कर देता तो सेम चीज इसी में ही ऐसा लगा रहा था, आयरन रहेगा या FeCl3 रहेगा और डार्क क्या रहेगा, अंधेरा, वहां पर सनलाइट है ना, ये अंधेरा रहेगा, FeCl3 या Fe जो भी ऐसा रहेगा, आयरन या आयरन क्लोराइड हो गया, तो इससे क्या होगा, यहां पर ऐसे बन जाएगा, फिर यहां पर रिएक्शन नहीं होगा, फिर यहां पर एक क्लोरीन आएगा और यहाँ पर एक क्लोरीन आएगा, यानी रिंग में होगा रिएक्शन। ये सब तो देखो माँ, ये सब समझाने के लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो उतना तो वक्त करेंगे तो क्वेश्चन ही कंप्लीट होगा। सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेगा, एंड इस ये ज्यादा अमाउंट होगा, मेजर बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनता है। सो ऑर्थो पैरा क्लोरो बेंजीन है, तो यहाँ पर इथाइल बेंजीन है, तो ऑर्थो पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन, तो ये बन जाता है, ठीक है। जब अंधेरा होगा तो क्लोरीन इस रिंग में होगा, जब सनलाइट होगा तो क्लोरीन रिंग के बाहर, यानी जो रिंग के बाहर जो ग्रुप लगा है ग्रुप में होगा रिएक्शन, ओके, ठीक। चलो और एक चीज बता देते यहां पर, इस रिएक्शन को जो है ना बताने के तो बहुत कुछ है, ये जो होता है मुक्त मूलक रिएक्शन, क्या होता है भाई, ये हमेशा जब सनलाइट देखोगे ना इसको देखेंगे, क्लोरीन वगैरह ऐसे देखेंगे, तो यह क्या मुक्त मूलक रिएक्शन होता है, ये मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल का, ये कौन सा पाथ मैकेनिज्म, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन है एक, ये कौन सा, मैंने बहुत तरह से रिएक्शन होता है, तो ये कौन सा रास्ता को चुनता है, कौन सा रास्ता चुनता है, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। जब भी सनलाइट या एच न्यू या हीट इस तरह चीजों देखेंगे, हाइड्रोकार्बन के साथ, ये हाइड्रोकार्बन है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा पाथ को करेगा, मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक नहीं है, लेकिन ये मुक्त मूलक है, चलो ये मुक्त मूलक नहीं है, ये फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये अलग चीज है, तो दोनों चीज को लिख के रखोगे साथ, ठीक है, साथ साथ लिख के रखोगे दोनों को,
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में है भाई, ऐसा ग्रुप है उसमें तुम्हारा डबल वन और यहां पर एक सी एच थ्री है, और रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एच आई के साथ, है ना, एच आई के साथ, वेरी गुड। अब यहां ए बनेगा, ए क्या बनेगा, लिखा गया ना, इसको मिटाने हैं, यहां पर जो बनेगा ए वो ए क्या है, फिर अगेन वही क्वेश्चन है, सॉरी यहां पर लिख रहा है ए, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब ए क्या है निकालना है। देखो ये रिएक्शन क्या होता है, ये एक रिएक्शन है जो मार्कोनिकोव रिएक्शन है, क्या है, मार्कोनिकोव रिएक्शन। इसको समझाने के लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसा है CH3CH2, ठीक है, ऐसे रिएक्शन होगा, हमने अगर ऐसे एच आई को डाल दिया तो होता क्या है, इसमें इस दो जो जहां पर डबल बॉन्ड होगा उस दो कार्बन को देखना है, यानी इस कार्बन को गौर करना है, किसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है ना, इसमें हाइड्रोजन एक है, इसमें दो है, ये इसमें तो नहीं जुड़ेगा ना, जहां डबल बॉन्ड है वहां, तो यहां पर क्या करना है, जिस कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है उसी में एक हाइड्रोजन को जोड़ दो और दूसरे में आयोडीन को जोड़ दो, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हमारा क्या बनेगा, तो हमारा ये बन जाएगा CH3, यहां पर CH और इसमें ना आयोडीन आ गया, तो यहां I और यहां हमारा आ जाएगा CH2 था, अब ये 3 बन गया, ये बनेगा। तो ये कौन सा रूल है, यस ये एक साइंटिस्ट का नाम मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव का नियम है ना, मार्कोनिकोव रूल, एक मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं, मार्कोनिकोव रूल जो है वो इसी तरह से होता है ना, देखोगे जो पॉजिटिव, इस दोनों में ये पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन में जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन उसमें हाइड्रोजन को जोड़ देना, इतनी बात याद रखना, जहां ज्यादा हाइड्रोजन उसमें हाइड्रोजन को जोड़ देना और दूसरे चीज को दूसरे कार्बन में जोड़ देना। अब यही चीज यहां पर है, यहां पर रिंग दे दिया तो यहां पर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या, एक दो तीन, इसमें यहां कार्बन है, कार्बन में एक दो तीन बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड नहीं दिखा रहा है, मतलब यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो ये कार्बन में एक दो, यहां दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, यानी कोई हाइड्रोजन यहां पर, इस जगह में कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बन में, यह कार्बन है ना, इसको देखो ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसा ना, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, सब कार्बन है जहां पर ये, अब यहां पर हमारा CH3 लगा हुआ है, यहां मेरा दियाबन लगा हुआ है, तो ये कार्बन में तो चार बॉन्ड हो गया, तो यहां हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तीन बॉन्ड है, तो यानी यहां एक हाइड्रोजन है। अब बताओ एच आई को जुड़ेंगे, एच आई को मैं यहां ऐड करूंगा, तो किसमें हाइड्रोजन ज्यादा, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है ना, तो हाइड्रोजन को इसमें लगा दो, और आई को किसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहां दो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो CH2 हो गया, तो डबल बॉन्ड खत्म, यहां देखो यहां भी डबल बॉन्ड खत्म हो गया, यहां एक एच आ जाएगा, तो ये CH2। अब यहां पर क्या है हमारा, एक तो CH3 था और एक क्या है, आई लग गया, यहाँ पर आई लग गया, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन, देखो ये वाला ऑप्शन कहां मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए यही है, ठीक है ना, वो ऊपर नीचे है, आयोडीन को ऊपर दिया CH3, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस इसमें आयोडीन जुड़ेगा इसी कार्बन में, है ना। अब जब ये CH2 है, मतलब ये सब CH2 जहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है, CH2, लेकिन ये बेंजीन में CH2 नहीं होता, बेंजीन में क्या है, ये सब एच है, CH 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 CH, लेकिन यहां जब CH2 जब भी ऐसा है ना, देखो हम एक चीज लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख सकता कोई चीज को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये हो गया ना, इसको मिटा दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जब एंड होता है, ये CH3 है, ये तो सब 11 का चीज है, ये है CH2, ये CH3, आई बात समझ में, ऐसा होगा, तो जहां भी ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्या है, CH3 CH2, अब फिर CH2 फिर CH3, आई बात समझ में, अगर कहीं डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसे है,
यहाँ डबल बॉन्ड, तो क्या होगा ये सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच है ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी तीन बॉन्ड है, ये कार्बन में एक दो तीन, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ लगा दिए, फिर ये सी एच होगा, ये फिर सी एच थ्री होगा। मैंने चार बॉन्ड देखना, कार्बन का चार बॉन्ड से ज्यादा नहीं करना है। तो ये अमर हो गया। तो मार्कोनिकोव का नियम से भी क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 32 हो गया। अब 33 में क्या लिख रहा है भाई, ऐसा लिखा हुआ है, यह है रिंग और यहां पर हमारा डबल बॉन्ड है, यहां हमारा ब्रोमीन दे दिया तो बी आर टू दे दिए। अब बी आर टू के बाद ऐसे हमारा, आप पूछ रहे क्या बनेगा इसे प्रोडक्ट, फिर अगेन ये क्या होगा। तो देखो इस रिएक्शन में यहां पर कंडीशन नहीं दिया, कुछ नहीं बताया ब्रोमीन, अब किसके उपस्थिति में कुछ नहीं बताया, तो यहां पर जो है दो चीज हो सकता है। अगर NBS ये है, या तो H न्यू या तो सनलाइट है, H न्यू मतलब सनलाइट है, या तो ज्यादा हीट है, हाँ हीट कर रहा हूं ज्यादा, तो ये सब कंडीशन अगर रहेगा तो यहां पर क्या बनेगा जानते हो, इसमें बनेगा ये, यहां पर एक ब्रोमीन डाल दो, यहां पर एक ब्रोमीन डाल दो, ठीक ऐसा होगा। अगर यहां पर सॉरी मैं एक गलत बोल दिया, ये है तो यहां पर तो एलाइल होगा, तो यहां डबल बॉन्ड रह जाएगा, ठीक। अब इसका एलाइल पोजीशन चाहे ए हो चाहे ए, यहां पर लग जाएगा ब्रोमीन, ये बनेगा, आई बात समझ में। ऐसा अगर कोई चीज ऐसा है, यहां ऐसे सेम चीज प्लस यहां ब्रोमीन है, लेकिन यहां पर जो है CCl4 लगा दिया, कार्बन क्लोराइड कुछ सॉल्वेंट लगा दिया, कि ये सब कुछ नहीं है, हीट नहीं है, NBS नहीं है, H न्यू सनलाइट, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कार्बन कुछ सॉल्वेंट रहेगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो यहां पर दोनों ब्रोमीन दोनों में जुड़ जाएगा, यहां भी एक ब्रोमीन, आई बात समझ में। तो तुम्हारे ये रिएक्शन में इनकम्प्लीट बोल सकते, रिएक्शन में बताया नहीं कि किस स्थिति में, तो यहां हम लोग यही मान के चलते हैं जब दोनों आंसर है, यानी यहां पर मान लो ए भी सही है और बी भी सही है, तो जो रहेगा उसके हिसाब से तुमको करना है, आई बात समझ में। ये सॉल्वेंट वगैरह रहा तो ये करना, अगर ये सॉल्वेंट नहीं रहा, ये सब चीज रहा, तो ए वाला होगा। तो तुम्हारा बताया नहीं कि कौन सा कंडीशन है, यानी ये भी आंसर में है ये भी है, तो ये जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आंसर कर लेना, यानी ए भी दोनों हो सकता है, इसमें जो रहेगा वही करना है। तो इसका हमने, क्योंकि अगर आंसर किताब में ए है तो बोला तब समझ लेना यहां पर ये चीज है, अगर आंसर ये है तो यानी ये चीज होगा यहां पर। अब देखो नेक्स्ट 35 में क्या है, फिनॉल है, क्या है हमारे पास, फिनॉल है, इसका नाम बहुत अच्छा लगता है हमको, फिनॉल। तो ये फिनॉल जो है, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, यहां पर हमारा C2H5I है, यानी इथाइल आयोडाइड है, ओके, किसके उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है, C2H5O- इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, पानी नहीं है, इस अल्कोहल में पानी नहीं है, ओके। अब क्या बनेगा, बड़े आराम से समझ लो, ये होता है एसिड, ये क्या होता है एसिड, फिनोल होता है एसिड, हल्का एसिड, वीक एसिड होता है, एसिडिक नेचर है। अब ये है बेस, ये क्या है बेस, तो सबसे पहले रिएक्शन कभी भी होता है, कोई भी रिएक्शन हो, सबसे पहले अगर कोई एसिड और बेस है तो उसका रिएक्शन सबसे पहले होता है, या हर जगह में यही नियम लगेगा, जहां भी
एसिड और बेस हो तो रिएक्शन सबसे पहले होगा। तो इस तरह का आयन जो होता है वो ज्यादातर बेस में है, इथॉक्साइड ये सब बेस है, ठीक ओके। ये बेस है एसिड, यानी ये दोनों का रिएक्शन होगा। तो एसिड मतलब ये प्रोटॉन देगा, तो इसका प्रोटॉन मतलब H प्लस निकल जाएगा, H प्लस को ये ले लेगा तो क्या बनेगा, ऐसा ना कुछ होगा ऐसे ही, ये O है H है, ये आया क्या भाई C2H5 O माइनस, ये दोनों निकल जाएगा बेस ऊपर, बेस का काम है प्रोटॉन लेना, तो प्रोटॉन को ले लेगा, प्रोटॉन H प्लस लेगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ऐसे बन जाएगा O माइनस बन गया। ये भी बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा है ना, तब जब बचेगा C2H5I तो ये क्या करता है, ये हुआ एन SN2 रिएक्शन, इस कार्बन में अटैक करता है, कार्बन में, तो ये कार्बन में अटैक करेगा, आयोडीन निकल जाएगा और इसके साथ ही जुड़ जाएगा, आयोडीन निकल गया आई माइनस है ना, तो आई माइनस निकल जाएंगे और वो जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहां पर ऐसे बनेगा ना प्रोडक्ट, यहां कहां लिखू, यहां लिख देता हूं, यही लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगा यहां हमारा प्रोडक्ट, ये है वो है वो लगा दो, वो के बाद क्या है C2H5 लगा दो, क्या लगा दोगे C2H5। अब ये वाला ऑप्शन क्या है, अब ये तो यहां पर ऐसा लिखा नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ये क्या होगा, इसको हम बोलते कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो C6, यहां पर 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन तो निकल गया, हाइड्रोजन तो नहीं है, तो ये 5 हाइड्रोजन, तो H5 आप क्या है O, इसके बाद C2H5, ये ऑप्शन किस में है देखो, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर B, तो ये हमारा B होगा आंसर करेक्ट, ठीक है B हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो खत्म हो गया जी, तो ये खत्म हो गया ये सेट, ठीक है ना, अब नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा सेट करेंगे, सेट नंबर 2, ठीक है, सेट 1 कंप्लीट हो गया, सेट 2 करेंगे। बोलो कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो छोड़ देते हैं आज, सेट 2 करेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू सर, ओके हेलो सर, बोलो, आईफोन रखे हैं गात सर, नजर आ रहा था आईफोन के, आईफोन रखे हैं सर आप, हाँ आईफोन है, हाँ देख रहा है, देख तुम लोग यही सब देखता हो जी, चलो ठीक है।